तुलसी में निकल आई है मंजरी, तो तुरंत करें ये पांच काम। माँ लक्ष्मी देगी धन संपदा का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियों एवं डंडी का आपने खूब इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में। जानिए तुलसी से क्यों तुरंत हटा दे मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की है, तो लक्ष्मी आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती की सहायता मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मुक्ति हो जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु की लक्ष्मी तुलसी पौधे के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं विशेष लाभ मिलते हैं। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। तुलसी की मंजरी के उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों के साथ साथ इसकी मंजरी भी विशेष फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय। वैसे तो भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी शिवजी को चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धन लाभ होता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है।
खर्चों से परेशान रहते हैं तो गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़के। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आए। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और धन की हानि रुक जाती है। हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती है और उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है। माँ लक्ष्मी भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेट कर अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख लें। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।